गाइस एक्चुअली ना एक बंदर आया हमारा प्रसाद लेके भाग गया। बाल का रूप बन दी अब दूसरा मत जवानी और श्याम को बुढ़ापा इन रूप बन दी। दर्शन करवाएंगे और देहरादून से काफ़ी दूर है मंदिर, तो रास्ते में हमने सोचा थोड़ा सा चाय के मज़े लिए जाएं और व्यू का लुत्फ उठाया जाए, तो चाय पीते हैं और फिर आपको ले चलते हैं हम भारी देवी मंदिर। तो गाइज हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं। देवप्रयाग धारी देवी पहुंचने में रास्ते में जो है देवप्रयाग पड़ता है, तो हम वहां पहुंचे हैं। और देवप्रयाग में जैसे कि दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का, तो उसका मनोरम दृश्य आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा इस वीडियो में। मैं अमित सेमवाल और मैं निशा, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा और आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा धारी देवी का मंदिर, ये श्रीनगर गढ़वाल में पड़ता है। आज हम आपको जो है धारी देवी माता के दर्शन करवाएंगे और इसके बारे में हम आपको बहुत ही रोचक तथ्य बताएंगे और इनके बारे में एक रहस्यमयी कथा भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम वो आपको जो है
वीडियो के आगे आगे शुरू होने पर बताएंगे, बट अभी हम आपको सिर्फ यही आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप जो है प्लीज़ हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलिए आपको इस मंदिर के बारे में और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं, चलिए चलते हैं। चलो तो आपको माता के दर्शन कराते हैं फिर हम आगे। मतलब ऐसा है कि मतलब आप मतलब ऐसा कहोगे कि मतलब कितना बढ़िया व्यू है, जैसे मतलब ये पूरी अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी पे जो सूर्य किरणें पड़ रही हैं और जो मोतियों से चमक रहे हैं, मतलब वो नदी, मतलब वो तो ऑसम ही व्यू है। और देहरादून से काफ़ी दूर है, 150 किलोमीटर है, बट जब आप ऐसे नज़ारे देखते हो और ऐसा मतलब दृश्य देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ मतलब सफल हो गया हमारा जो ये जर्नी थी। चलो तो गाइज ये एंट्री है माता के धारी माता एंट्री है। हाँ चलिए आपको ले जाते हैं, करवाते हैं आपको माता जी के दर्शन। और काफ़ी मतलब जब मंदिर जैसी जगहों पे आओ भगवान के दर्शन करो मतलब एक अलग ही अनुभूति होती है, मतलब अलग ही पवित्र एनवायरनमेंट होता है उन जगह का। तो गाइस हमने आपको जो है धारी देवी माता जी के दर्शन करवाए और ये है धारी देवी माता जी का मंदिर जो कि अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। अब तो यहाँ पे डैम झील बन गई है और काफ़ी मतलब बढ़िया बढ़िया व्यू हैं और माता जी के दर्शन हैं, सब कुछ मतलब पवित्र पावन जिसे बोलते हैं वो है। और अब आपको जैसे पता ही होगा कि एक मतलब मंदिरों को लेके कई सारी पौराणिक कथाएं होती हैं, जैसे कि जब हम यहाँ के पंडित जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो माता धारी देवी जी की जो मूर्ति है वो द्वापर युग से है। कुछ जो स्थानीय निवासी हैं वो माता धारी देवी को लेके कई सारी कथाएं बोलते हैं कि उनका जो सिर था वो बह के अलकनंदा नदी पे आया था, तो तब यहाँ पे जो है माता धारी देवी की मंदिर की स्थापना करी, तो सिर जो है यहाँ पे आया और धड़ जो है रुद्रप्रयाग के कालीमठ में आया, तो वहाँ पे उनके बदन की जो पूरा शरीर है उनकी स्थापना करी। तो यहाँ पे जो है आपको मतलब माता जी के सिर के दर्शन होंगे और वहाँ पे उनका पूरा बदन है। और ये जो आप कह रहे होंगे सिर मतलब इनकी, इसको लेके भी हम आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं कि इसकी जो एक कथा है कि जो माता धारी देवी थी वो जो है अपने सात भाइयों की इकलौती बहन थी, तो मतलब वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। बिकॉज जो माता थी उनके बचपन में ही माता पिता जो थे धारी देवी माता जी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इस वजह से वो अपने सातों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। पर जो उनके सातों भाई थे वो उनसे काफ़ी नफ़रत करते थे क्योंकि माता धारी देवी का रंग जो था सांवला था और एक बार उनके भाइयों को ये पता चला कि उनके जो ग्रह हैं धारी देवी माता जी के वो उनके लिए जो है ख़राब हैं। तो उसके बाद जब समय बीतता रहा तो माता धारी देवी जी के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई, तो जो 2 भाई बचे थे शादीशुदा उन्होंने सोचा कि इन माता धारी देवी के ग्रहों के वजह से, ग्रह खराब होने के वजह से जो है हमारे 5 भाइयों की मृत्यु हुई है, तो इस वजह से हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रात माता धारी देवी का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया उन दोनों भाइयों ने, तो और उनको एक नदी के तट पर प्रवाहित कर दिया। तो न माता का सिर जो है बहते 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 वो कलियासोण, ये एक कलियासोण करके एक जगह है, ये यहाँ तक बहते बहते आ गया। तो उस समय पे कहते हैं कि एक आदमी नहा रहा था, उसको इस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि मुझे बचा लो, तो
उन्होंने कोशिश करी बचाने की, लेकिन जल का प्रवाह इतना था कि गाइस एक्चुअली ना एक बंदर आया और हमारा प्रसाद लेके भाग गया। देखिए आप भी कैसे खा रहा हूँ प्रसाद। तो गाइस मैं कहाँ पे थी, हाँ वही कि माता का जो सिर था वो बहते बहते यहाँ अलकनंदा नदी के कल्यासरण करके गाँव है, यहाँ पे एक जगह का नाम है धारी गांव है वैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आया। तो वो उस समय पे एक आदमी जब को जब उन्होंने आवाज़ लगाई कि मुझे बचा ले, तो वो गए भी, लेकिन उन्होंने नदी मतलब का प्रवाह इतना ज़्यादा था कि उन्होंने हिम्मत नहीं करी, लेकिन माता ने कहा तू मुझे बचा ले और तू जहाँ जहाँ पे कदम रखेगा नदी पे वहाँ पे मैं सीढ़ियाँ बना दूँगी। और सच में जब वो आदमी उनको बचाने के लिए उनके मतलब उस सिर मतलब माता के सिर के पास जा रहे थे तो सीढ़ियाँ बनती जा रही थी, फिर जब उन आदमी को ये लगा कि वो एक मतलब एक जो है मतलब बच्ची का पूरा मतलब पूरा शरीर है, लेकिन जब उन्होंने पकड़ा तो वो सिर्फ सिर आया हाथ में, तो वो काफ़ी डर गए, लेकिन उस सिर से आवाज़ आई कि मैं एक देव रूप में हूँ, मेरे से नहीं मत डर और मैं जो हूँ मतलब मेरी जो है स्थापना कर दे, मतलब मेरी मूर्ति की स्थापना कर दे इस जगह पर। तो तब उस आदमी ने सोचा कि एक मतलब सिर से आवाज़ निकलना, सीढ़ियों का बनना और ये सब चीज़ें तो ये एक देव रूप में ही हैं, तो इस तरीके से उस मतलब उसने वहाँ पे यहाँ पे जो है उस मूर्ति की स्थापना करी। ये एक कथा है, मतलब कुछ निवासी बोलते हैं कि इस तरीके से स्थापना हुई, और पुजारी वो बोलते हैं कि द्वापर युग से ही मतलब माता जी की मूर्ति है। तो मतलब काफ़ी सारी वो होती हैं एक मतलब स्थापना को लेके, तो कुछ यही था। और आप इसका जो मनोरम दृश्य है, सुंदर दृश्य है, वो आपको दिखाई रहे हैं, देखिए आप मजे लीजिए आप भी। सो गाइस ये है अलकनंदा नदी, और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो माता धारी देवी जी हैं, असल में जो मंदिर है वो काली देवी माता काली देवी को समर्पित है, तो जो माता काली देवी का जो सिर है वो यहाँ कल्यासरण नामक जगह पे, और जो बदन है वो वहाँ काली मठ में है। तो जो कालसी और काली मठ है वहाँ पे माता का जो है क्रोध रूप में है वो, और यहाँ पे वो शांत मुद्रा में है। कहते हैं कालसी मठ यहाँ पे उन्होंने माता काली देवी ने जो है रक्तबीज नामक राक्षस था उनको भी मारा था, तो ये तभी जो मतलब ये पूरा जो मंदिर है वो माता काली देवी को समर्पित है। तो जय हो माता। दोस्तों तो ये है धारी माता का मंदिर जो अभी आपको दिखाया, अंदर अलाउड तो है नहीं मंदिर में, आपको पता ही है कि वर्जित होता है, कैमरे का अलाउड ही नहीं है, मतलब माता की तरफ और माता मतलब अंदर दिखाना। इसलिए हमें हमसे जितना हो सका उतना हमने आपको जो है माता जी के दर्शन करवाए, आपको बताया कि ये माता काली देवी को ही समर्पित है मंदिर, जिसमें से उनका सिर वाला पार्ट यहाँ इस तरह से जो है जो धड़ है वो अलग जगह पे है, बट बहुत मान्यताएं हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं, और मेनली जो है चैत्र और जो शारदीय नवरात्रि होते हैं उनके अवसर उस टाइम पे काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और कहते हैं जब आप दिल से कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो काफ़ी आस्था, काफ़ी श्रद्धा और काफ़ी बढ़िया मतलब जो है माहौल है, और आना चाहिए। और आपको भी जो है एक बार माथा टेकने अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। ऋषिकेश से ज़्यादा दूर तो नहीं है, दो घंटे लगेंगे आपको ऋषिकेश से यहाँ पहुँचने में, देहरादून से 150 किलोमीटर समथिंग है, और ऋषिकेश से आपको लगा लो आप 120 पड़ेगा। वही श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में मंदिर पड़ता है, और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मतलब मन को शांति मिली आके। हम आपको बता रहे थे कि माता धारी देवी मंदिर की के बारे में जो रहस्यमयी कहानी है वो यही है, जो तथ्य है वो यही है कि माता जो है सुबह के समय पे एक बच्ची और दिन के समय पे एक युवती और रात के समय पे एक बूढ़ी औरत बनती है। तो
गाइस ये थी हमारी धारी माता की यात्रा। और काफ़ी बढ़िया मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, और इसके बारे में जितनी भी मतलब तथ्य थे, पौराणिक कथाएं थी, वो सब मैंने आपको जो है बताने की कोशिश करी। और आई होप आपको जो है हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। और बस इसी के साथ हम अपना जो है इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और बस वही बोलेंगे कि प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।